बिसमीम डियर colleagues, वेलकम टू दिस सेशन इन दिस सेशन वी विल डिस्कस ऑनलाइन assessment टूल्स आपने पिछले वाले सेक्शंस में देख लिया होगा कि एम सी क्यूज़ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो बनते किस तरह से हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए उनको किस तरह से हमने फ्रेज़ करना है उनको इवेलुएट किस तरह से करना है उनका रूब्रिक क्या है अब हम देखेंगे कि ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट क्या है एन ऑनलाइन असेसमेंट इज एन इवेलुएशन ऑफ अ परसनस एबिलिटीज बिहेवियर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट बाय यूजिंग अवेलेबल वेब टेक्नोलॉजीज एंड एन असेसमेंट मे बी सेट आउट एंड कैरिड आउट विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव सच एज टू टेस्ट द नॉलेज और लर्निंग ऑफ अ लर्नर अच्छा ये एक ऑब्जेक्टिव है कि आपने स्टूडेंट की लर्निंग को या उसके नॉलेज को मैयर करना है ये सिर्फ अचीवमेंट टेस्ट नहीं हो सकते ऑनलाइन बल्कि रिक्रूटमेंट टेस्ट भी ऑनलाइन होते हैं आप लोग जो न्यू फैकल्टी मुझे सुन रही है आप लोगों ने वी के जब टेस्ट दिए तो आप जानते हैं वी यू इंस्ट्रक्टर्स के लिए लेक्चरर्स के लिए और एट टाइम्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रिक्रूटमेंट टेस्ट लेते हैं तो वो रिक्रूटमेंट टेस्ट भी ऑनलाइन था इसी तरह कुछ प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं जैसे एम डी कैट है इसी तरह डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जब आपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना होता है तो वो प्लेसमेंट्स टेस्ट लेते हैं कि अब ये हमारे जो कैंडिडेट हैं ये लर्नर हैं ये किस डोमेन के लिए फिट हैं इसी तरह कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं तो ये तमाम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो ऑनलाइन असेसमेंट में कैटर हो सकते हैं ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स क्या हैं ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स हेल्प असेस एंड एवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू क्विजेस थ्रू टेस्ट्स

करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या उसकी फ़ीचर्स क्या होनी चाहिए नंबर वन वो रिलायबल होना चाहिए या ऑनलाइन असेसमेंट टूल जो है वो ज़्यादा रिलायबल होता है ज़्यादा रिलायबिलिटी की डेफिनेशन आप जानते हैं कि वो कंसिस्टेंट हो उसका सेम रिस्पॉन्स आए ओवर द पीरियड ऑफ रेपिटेशन जितनी दफ़ा वो अकर किया गया है फिर फिजिबल हो ऑनलाइन वो फिजिबल होता है लेना ये एक अच्छी फीचर है इसका इसकी करैक्टरिस्टिक है ऑनलाइन असेसमेंट टूल की वो वैलिड भी हो सकता है वैलिडिटी आप जानते हैं पिछले मॉड्यूल्स में आप समझ चुके हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने टेस्ट बनाया है वो उसी चीज़ को मैयर कर रहा हो तो देट अकाउंट्स फॉर द वैलिडिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट फिर ये स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं ऑनलाइन जो टूल्स हैं इनका एक अच्छा फीचर ये है कि ये स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं पूरी दुनिया में एक खास डोमेन को मेजर करने के लिए एक खास ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के लिए हो सकता है कि स्टैंडर्डाइज एक ही टूल यूज़ हो सके तो इसमें प्रेपरेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है हमें ऑनलाइन एक ही जगह पे बैठते हैं अपने क्वेश्चंस के पूल्स बनाते हैं क्वेश्चन बैंक बनाते हैं और उनको हम एक ही जगह डिसमिनेट कर देते हैं लॉजिस्टिक्स का इशू एंट्री और एग्जिट का इशू हमारी उन चीज़ों को कंपाइल करना और उनकी सीक्रेसी को मेंटेन करना स्टोर्स में मेंटेन करना ये तमाम चीज़ें हैं जो ऑनलाइन टेस्ट सरपास कर देते हैं इसको हम टेलर मेड कर सकते हैं और डिफरेंट भी कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के लिए और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए तो ये एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है और फिर फ्रॉड और डिसेप्शन इसमें काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है तो ऑनलाइन में हम इसके अंदर आ, फेक चीज़ें जो है काफ़ी ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स के फीचर्स क्या हैं कि इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाता है एग्जाम स्केजूअल का ऑनलाइन मार्किंग की फैसिलिटीज सिस्टम में हमें मिल जाती है हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दे सकते हैं हम इस पर एनालिसिस कर सकते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दे सकते हैं अपनी असेसमेंट के रिजल्ट्स की हम ऑनलाइन रूब्रिक भी दे सकते हैं इसमें और हम एक ही टेस्ट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बना के डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स के पैटर्न्स को भी मेजर कर सकते हैं मल्टीलिंग सपोर्ट है इसमें आप जानते हैं कि ऑनलाइन ये फीचर बहुत ईजीली अवेलेबल है रोबस्ट प्रॉक्टरिंग इसमें हम बहुत अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें फ़्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं इसी तरह हम अपने क्वेश्चन बैंक के पूल को भी मेंटेन कर सकते हैं और वो कैटेगराइज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक अच्छा अब ज़रूरत क्यों महसूस हुई हमें ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स को इस्तेमाल करने की तो वो ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि हमारा वर्कलोड काफ़ी रिड्यूस हो जाता है आपको पता है फिज़िकल हमें मीटिंग करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह को म्यूट करना पड़ता है ट्रैफिक के वेदर के इश्यूज होते हैं अगर हमने एक सिटी से दूसरे प्रोविंस में जाना है तो काफ़ी सारा उसमें टाइम इन्हीं एक्टिविटीज़ में कंज्यूम हो जाता है तो ऑनलाइन हम बैठे दुनिया के किसी कोने में भी अपने लाइक माइंडेड ब्रेन्स को इकट्ठा कर सकते हैं और एक खास टेस्ट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट एग्जाम रूल्स हैं अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रीज़न है आप एग्ज़ाम को जो वी यू के स्टूडेंट्स हैं आप जान सकते हैं आप लोग जो टीचर्स हैं वी के जानते हैं कि स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं ना सिर्फ क्विज देने की ना सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स को स्कडुल करने की और आप इसमें रिजल्ट्स को कंपाइल एनालाइज और पब्लिश भी जल्दी कर सकते हैं इसमें सिक्योरिटी के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें लगा सकते हैं हम काफ़ी प्रोटोकॉल्स लगा सकते हैं ताकि हमारा सिक्योरिटी ब्रीच ना हो पैसे भी ज़ाहिर बच जाते हैं हमारे पास क्योंकि तो हमें लॉजिस्टिक्स हमें एंट्री और एग्ज़िट की चीज़ों से इसमें मदद मिलती है वो हमारी कॉस्ट uh, सेव हो जाती है हर तरह के डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए हम फ्लेक्सिबल टेस्ट्स बना सकते हैं इसको इजी होता है यूज़ करना और इसकी क्वालिटी असेसमेंट भी हो सकती है तो ये चंद हैं जो हम ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स को यूज़ करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स मैं आपके सामने यह एड्रेस करूँगा आप लोग उसको ज़रूर बाद में डिटेल में देखिएगा एल आप जानते हैं वी यू के कोलिग्स के एल तो वी भी ऑपरेट कर रहा है और हमारा मेन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एल के थ्रू है तो एल हमें एक एग्ज़ाम को एक क्विज़ को क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर देता है ये एक बहुत अच्छा टूल साबित होता है ऑनलाइन असेसमेंट के लिए भी इसमें डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं और उनको ऑटोमेटिकली जनरेट करना डिसमिनेट करना और फिर उनको मार्क करना बहुत ईजी है और फिर हम डिफरेंट एनालिटिक्स भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं तो एल एम एस को तो आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे कि क्विज बैंक क्या है एग्ज़ाम किस तरह से इसके ऊपर यूज़ हो सकता है तो एल एम एस के लिए आप लोग डिटेल ऑलरेडी जानते हैं फिर है एग्जाम सॉफ्ट ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो टीचर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये टॉप ऑफ द लाइन एक सॉफ्टवेयर है जो पूरी दुनिया में इस टाइम यूज़ होता है इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं जिसमें आप कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं डिप्लॉय कर सकते हैं और फिर आप ग्रेडिंग भी दे सकते हैं और सर्टिफिकेशन भी दे सकते हैं तो ये एग्जाम मेकर्स के लिए एनालिटिक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल uh, है ये एक सॉफ्टवेयर एग्जाम को मेंटेन करने की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है उसकी सेफ्टी तो ये एग्जाम सॉफ्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें उसकी सेफ़्टी को भी इंश्योर बनाता है क्वेस्ट बेस ये एक और सॉफ्टवेयर की एग्ज़ैम्पल है इसी तरह बेतहाशा अगर आप गूगल कर लें तो बेतहाशा हमारे पास ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर आ जाएंगे ऑनलाइन टूल्स आ जाएंगे तो उसमें से हमने जो बेस्ट हैं जो सेफेस्ट हैं जिनकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे एज एन एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम और क्विज़ को और प्रोफिशेंसी असमेंट टूल है जो ये वाइडली यूज़ होता है ट्रेनर्स भी इसको यूज़ करते हैं प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं बिजनेसिस में भी यूज़ होता है यानी इंडस्ट्री में भी और नॉन प्रॉफिट यानी एजुकेशन साइड पर या कि डी मै में भी ये यूज़ होता है इसके लिए भी रिजल्ट्स को पब्लिश करना और डिसमिनेट करना बहुत इजी है नियर पॉड नियर पॉड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए टीचर्स में बहुत ज़्यादा मकबूल है उसकी वजह क्या है कि ये असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी और आपकी समेटिव असेसमेंट को भी क्लब कर देते हैं और ये कोलेबरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं थ्रू दिस टूल वी कैन असेस ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एंटायर सेट ऑफ स्टूडेंट्स हम कलेक्टिव भी कर सकते हैं इंडिविजुअली भी कर सकते हैं तो टीचर्स के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज करना बहुत नियमत है बर्की बर्की एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो रिक्रूटर्स इसको यूज करते हैं जो ऑनलाइन हायरिंग के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है ये भी जाहिर है कस्टमाइज हो सकता है इसके लिए भी जॉब रोल्स डिफरेंट डिसाइडेड हैं इसके अंदर जॉब रोल्स के मुताबिक डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट हैं जो रिक्रूटर्स यूज करते हैं ऑनलाइन टूल्स के लिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एडवांटेजेस क्या हैं सबसे पहले कि इवेल्यूएशन बहुत ईजी हो जाती है इवेलुशन जब ईजी हो जाती है तो फिर उसके ऊपर हम एनालिसिस भी डिफरेंट रन कर सकते हैं हम ना सिर्फ एक स्टूडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कब वो हमारे पास आए उन्होंने पहले सेमेस्टर में क्विज़ में कितनी इम्प्रूवमेंट की और आखिरी सेमेस्टर में उनके जो फाइनल एग्जाम है उसमें कितनी इंप्रूवमेंट है तो ये ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम उसकी प्रोजेक्शन भी देख सकते हैं हम उसी प्रोजेक्शन की बेस पर प्रडिक्टिव असेसमेंट भी कर सकते हैं ऑनलाइन टूल्स के थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव है जैसे हमने देख लिया कैंडिडेट्स uh, के लिए बहुत ईजी है हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जेंडर पैरिटी इश्यूज हैं स्पेशली रूरल अर्बन डिवीज़न की वजह से तो कुछ फीमेल हजरात या कुछ ट्राइबल uh, एरियाज़ में या कुछ रिमोट एरियाज़ में या जहाँ पे कुछ लेसर डेवलप्ड जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेसर डेवलप्ड है वहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स की वजह से ये एक्सेसिबिलिटी इसकी बहुत इजी है और ये इजीली स्केलेबल है यानी लार्ज स्केल असेसमेंट के लिए जो आप जानते हैं कि जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं पाँचवीं के आठवीं के थ्रू आउट आपने पंजाब में करना है आपने पूरे पाकिस्तान में जो टेस्ट लेने हैं आपने एक पूरे रीजन में जो आपने असेसमेंट करनी है उसके लिए ये ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं आप जानते हैं कि आ, हर वो चीज़ जो सहूलत प्रोवाइड करती है उसके साथ उसकी एक फ़ी है जो हमें पे करनी पड़ती है तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है ये उसका एक डिसएडवांटेज है कंप्यूटर लिटरेसी का जानना और अच्छा खासा लिटरेट होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है यानी जो कैंडिडेट्स इस टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऑनलाइन टेस्ट ना सिर्फ सिस्टम को समझते हो उस टूल के ऊपर प्रोफिशेंट भी हो और उस टूल की प्रायर लर्निंग भी करनी है वो टीचर ने भी करनी है और स्टूडेंट ने भी करनी है जाहिर है वो रियल टाइम में अगर आप उसको फर्स्ट टाइम ऑपरेट करेंगे तो आप में काफ़ी लैब्स आ जाएंगे तो आप प्रॉपरली अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे और टेक्निकल फेलियर हर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिवाइस का टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉफ्टवेयर के साथ ये एक बाय uh, डिफ़ॉल्ट एक उसका टेक्निकल फेलियर हमेशा रहता है इंटरनेट का फेलियर आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर आ सकता है या उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ जाए तो ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए तो वो जैम भी हो सकता है और हैक भी हो सकता है तो ये कुछ टेक्निकल फेलियोर्स हैं जो ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स के भी हो सकते हैं अब ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स को हमने जब आपकी असेसमेंट की वीडियोस के साथ मर्ज किया है तो इसको बताने का ये पर्पस है कि वी में रहते हुए हमने सॉफ्टवेयर्स को तो डेवलप कर लिया है लेकिन इसके अलावा भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो टीचर्स यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में आप अपने गूगल मीट सेशनस में आप इंटरेक्टिव सेशनस में इन टूल्स को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं थैंक यू वेरी मच